जिस किसी साथी का NSE या KVP खो गया हो, चोरी हो गया हो दोस्तों, तो आप पोस्ट ऑफिस से उसे डुप्लीकेट कैसे प्राप्त करोगे? तो दोस्तों इसी वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा और आप मेरा वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा। और दोस्तों याद करवाना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। उसके लिए कुल मिला के 5-6 तरह की शर्तें हैं। अगर आपका किसान विकास पत्र या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसको NSE बोलते हैं वो खो गया है, बॉन्ड चोरी हो गया, फट गया, जल गया, जो भी है, ये करने के बाद में आपको डुप्लीकेट जो बॉन्ड चाहिए उसके लिए आपको जो करना होगा वो ये मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको एक NC-29 फॉर्म है जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए आता है, वो पोस्ट ऑफिस से प्राप्त करना होगा या नेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो इंडिया पोस्ट की साइट ऑफिशियल साइट पर जाके। और एक स्टेटमेंट जिसके अंदर ये लिखा होना चाहिए कि पॉलिसी उसका नंबर क्या है, अमाउंट कितनी थी, डेट ऑफ इशू क्या है, डिनोमिनेशन कौन सा है और कारण खो गया, चोरी हो गया, क्या हो गया उसके साथ, वो चीज़ें बतानी है। एक बॉन्ड ऑफ इंडेमिनिटी होता है, ये मतलब अलग अलग तरह की 3 कंडीशन होती है इसकी। एक NC-54A में आता है, एक NC-54B, एक NC-61 अलग। अगर मतलब आपकी चोरी हो गई तो उस कंडीशन में दूसरा भरना पड़ेगा आपको, खो गए हैं या जल गए हैं तो उस कंडीशन में दूसरा। इस तरह से 3 इंडेमिनिटी बॉन्ड होते हैं। एक FIR की कॉपी लगेगी जिसमें आपका मतलब चोरी हुआ है, खोया है, बर्बाद हो गया, कैसे सर्टिफिकेट जो भी कंडीशन है वो आपको गुमशुदगी रिपोर्ट में देनी पड़ेगी। और जो श्योरिटी होगी, दो श्योरिटी के आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी तरह की 2 आईडियाँ लगेगी। और पेमेंट की रसीद, 5 रुपये की रसीद एक सर्टिफिकेट के लिए डुप्लीकेट की फ़ीस है दोस्तों। ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल होने के बाद में आपको जो 3 तरह के फॉर्म है, 29 जो डुप्लीकेट फॉर्म है के लिए अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म है वो कंप्लीट करना होगा, इंडेमिनिटी बॉन्ड भरना होगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतना मैंने बताया, उसके बाद में मैं अगले वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आप जो फॉर्म है वो किस किस तरह से भरोगे, वहाँ हर कॉलम किस तरह से भरा जाएगा, यहाँ पर क्या लिखना है, उसमें क्या करना है दोस्तों। इस आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।